हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाया ऐसे क्यों सॉन्ग को, गज़ल वाले वर्जन को लो-फाई वर्जन में कैसे कन्वर्ट किया, कैसे बनाया। टिप्स ट्रिक्स जो यूट्यूब पे देखते हैं जो लो-फाई सॉन्ग बनाते हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छी बात होगी। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं। ऐसे क्यों हाँ, और ये मेरा जो अब तक का सबसे हिट सॉन्ग गया है, जिसके ऊपर अब तक 3.5 मिलियन व्यू आए हैं, यानी कि 35 लाख व्यू उसके ऊपर आए हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर उसके ऊपर कॉपी राइट आ चुका है। आ गया था, मतलब तभी आ गया था जो मैंने अपलोड किया था, तो उससे 1 रुपये भी नहीं कमाया। लोगों को लगता है कि मैं उस सब्सक्राइबर्स मिल जाती हैं, पब्लिसिटी मिल जाती है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, स्टार्टिंग देखते हैं ये मैंने किया कैसे है। तो ये वोकल्स हैं। हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर मैंने यूज़ किया, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल्स ये दोनों अलग अलग हैं। वोकल्स अलग है, इंस्ट्रूमेंटल अलग है। इंस्ट्रूमेंटल मैंने कहीं कहीं यूज़ किया है। यूट्यूब पे आपको कहीं इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी कि हाउ टू मेक एकेपेला, मतलब कि म्यूज़िक में से वोकल कैसे निकालें और म्यूज़िक अलग कैसे करें वोकल्स को। तो बात सेम ही है, तो यूट्यूब पे आप देखना, सर्च करना, मिल जाएगा। ऐसे क्यों कुछ तो लिखती हूँ, लिख के मिटाती हूँ मैं रात भर। ऐसे क्यों बातें, इसके मेन सेक्शन पे आते हैं, बीट स्टार्ट होती है। ऐसे क्यों अब देखते हैं मैंने किया क्या है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो ऊपर चल रहा है, सबसे ऊपर फर्स्ट है, वो है हमारा ये वाइनल साउंड। इसका मतलब क्या है कि जो ये साउंड है ये क्रैकिंग साउंड होती है, जो पुराने टेप रिकॉर्डर्स या पुराने सीडी ये होती है ना, उसमें होता था। है कि जो गाना है ये बहुत पुराना गाना है ना, तो उसको स्टार्टिंग में मैंने वैसे दिखाया। ऐसे और जो ये वोकल है ना, वोकल में भी एक मैंने ये डाला है, इसे हम कहते हैं, लगा लो आप इसको एक तरह। पहले तो मैंने एक रेडियो टाइप बनाई है वोकल, ऐसे क्यों, ठीक ऐसे है ना, फर्क दिख रहा होगा आपको। क्यों कुछ तो लिख, ऐसे क्यों तो मैंने ये रखा है। ऐसे क्यों बातें खुद, इसके नीचे मैंने यूज किया एक स्टीरियो सब बेस, उसके नीचे ये साइड चेन है। साइड चेन करता क्या है, ठीक है, उसके नीचे पैड्स, और जो ये ऊपर कॉर्ड्स हैं ये पूरे गाने के ओरिजिनल कॉर्ड्स हैं। उसकी ऑडियो से मैंने काट के इसको मैंने स्ट्रेच कर लिया, और सुनते हैं इसको एक बारी। ये कॉर्ड्स हैं कौन से में, ये हैं 27, ये आ गए। ये पूरा पूरे गाने में पेश कर रखे मैंने इसको, ठीक है ना। तो दोबारा से देखते हैं नीचे। बातें खुद की ही, और सेम कॉर्ड्स मैंने पेस्ट किए अपने पियानो के अंदर, ठीक है। सेम कॉर्ड्स मैंने पेस्ट किए हैं इसको पैड्स के अंदर, वैसी बेस है और वैसी इसका सब बेस है। डन, अब सुनते हैं आगे। ऐसे क्यों, ठीक है। अब जो ये बाउंसरी टाइप है ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल है, उसके नीचे हमारी ओनली वोकल्स है। उसके हो इसके अंदर एक मैंने ट्रिक यूज की है, जिसे हम बोलते हैं वोकल ब्लर, वोकल पैड्स एटमोसफेयर बनाया है मैंने बनाया है ये वोकल से।
अब देखना कुछ साउंड अलग ही करेगा। अच्छा फास्ट हो गया इसे। इसको मैंने इसमें इफेक्ट में डाला है और इसको मतलब कि पैड्स बनाया, तो ये हमारी वोकल्स ही हैं जिसको मैंने ऐसे एटमोसफेयर बनाया। ठीक है, उसके बाद ये बीट्स हैं हमारी, तो ये बीट देखो ड्रम हमारे कैसे हैं। तो देखो लोफाई सॉन्ग का जो ड्रम का पैटर्न है मैक्सिममली सेम ही होता है। ये मान लो टम्बरीन है, टम्बरीन होती है एक, ये हमारी स्नेर है जिसे हम रिम शॉट भी आप लगा लो, और ये किक है, और ये हमारी अपने हैट है जो स्टीरियो टाइप है, मतलब स्टीरियो टाइप मतलब स्टीरियो कर रखा उसको, स्टीरियो टाइप का कुछ मतलब ही और होता है ना, समझ नहीं पड़ रहा मुझे, वो बोलते हैं ना कुछ समझ नहीं पड़ता वैसे इंग्लिश इतनी ज़्यादा। तो हाँ अभी आके देखो उसके होठों पे अच्छा लगता है मेरा नाम ऐसे इंस्ट्रूमेंटल है। मुझे दिल में बाकी आगे कुछ ज्यादा है नहीं, बस वही है सब कुछ, कॉपी पेस्ट सब कुछ चल रहा है। और लोफाई सॉन्ग बनाना बहुत ही आसान है, कोई इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, मेहनत करो प्रैक्टिस करो आप भी बना लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर कुछ मत करो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बस उतना ही बहुत रहेगा मेरे लिए, और ओके बाय।